हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उसको कैसे फील कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, वो हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो फिजिक्स बाय अक्षय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जाकर सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है उसके दो और एप्लीकेशन पढ़ेंगे और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्या अदर फॉर्म्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या ले रहे हैं, हम एक हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने एटमिक मॉडल माना था। उन्होंने माना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, जिसे बोहर की स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। जो सबसे नजदीकी ऑर्बिट होती है उसको हम ग्राउंड एनर्जी लेवल कहते हैं यानी कि मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। बोहर ने कैलकुलेशन करके बताया था कि इस ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होगी और इसकी एनर्जी जो होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसकी एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, तो ये बोहर मॉडल से कैलकुलेटेड वैल्यूज है। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे किससे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम में है तो उसकी पाए जाने की जो अनसर्टेनिटी है, उसकी पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है, उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां सेंटर से लेकर यहां कोने तक कहीं पर भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस रेंज में होगी। किस रेंज में होगी, इसकी रेडियस के रेंज में होगी। तो अनसर्टेनिटी जो होगी वो आर होगी। ठीक है, अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी एच कट बाई टू से हमेशा ज्यादा या बराबर होती है। हमने इसको मान लिया कि ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लगभग लगभग एच कट के बराबर है। अब अगर ये एच कट के बराबर है तो यहां पर जो है मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो एच कट बाय डेल्टा एक्स होगी और डेल्टा एक्स किसके बराबर है, आर। तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो एच कट बाय आर होगी। ठीक है, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इतनी है तो मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम कोई नंबर x से लेकर x प्लस एच कट बाई आर होना चाहिए। कोई भी x वैल्यू से लेकर x प्लस एच कट बाई आर होना चाहिए। इनकी अनसर्टेनिटी एच कट बाई आर होती है। तो मिनिमम मोमेंटम अगर हमें निकालना है तो इस x को जीरो मान ले, x को जीरो मान ले तो मिनिमम मोमेंटम जो है वो एच कट बाय आर के बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम मोमेंटम यानी कि न्यूनतम संवेग एच कट बाय आर है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय टू एम होती है। मोमेंटम के टर्म में लिखें तो पी स्क्वायर बाय टू एम होती है, पी की वैल्यू रख दे तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, दो चार्ज सिस्टम के लिए के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, तो यहां प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज ई हो गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई हो गया, ये के हो गया, ये आर हो गया, तो के ई स्क्वायर बाय आर। और यहां एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो माइनस का के स्क्वायर बाय आर ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने अभी तक कैलकुलेशन की, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसके बेसिस पर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, देखो टोटल एनर्जी आ जाएगी ई बराबर में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आई हमारे पास एच कट स्क्वायर बाय टू एम आर स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस का के स्क्वायर बाय आर। तो यहां हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, या टोटल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। अब इसके बेसिस पर हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो कोई भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके जीरो के बराबर में कर देते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये डीई बाय डी आर जो है वो जीरो के बराबर में होगा। मिनिमम भी ऐसे निकलता है और मैक्सिमम भी ऐसे निकलता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर के रेस्पेक्ट में देखो एच कट स्क्वायर बाय टू एम तो कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का टू बाय आर क्यूब। ठीक है, माइनस के स्क्वायर पड़ा है, वन बाय आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाय आर स्क्वायर, वन बाय आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का वन बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और इस डिफरेंशिएशन को हमें जीरो के बराबर में करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखो यहां पर इसमें आप इसको एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा टू एच कट स्क्वायर, ये टू से टू तो गया। ठीक है, तो ये तो टू तो काट देते हैं, एच कट स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, अपॉन एम आर क्यूब इक्वल्स टू जो है वो क्या आ जाएगा,
के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब की दो पावर कट गई, केवल आर बच गया, तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा एचकट स्क्वायर अपॉन यहां पर जो है एम के ई स्क्वायर, ये आ जाएगा आर की वैल्यू। यहां वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये इसकी मिनिमम रेडियस है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होगी जो कि बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग आ रही है। और अगर हम इसकी मिनिमम एनर्जी निकालना चाहें तो ये आर की वैल्यू जो है हम इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो यानी कि जो रिजल्ट हमें बोर एटॉमिक मॉडल से मिल रहे थे वही रिजल्ट हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्राप्त हो रहे हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम स्टडी करते हैं एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, यानी कि सरल आवर्ती दोलित्र को। मतलब हमने एक स्प्रिंग ली जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, उसके साथ में कोई मास एम अटैच्ड है। ठीक है, इसको स्ट्रेच करके छोड़ दे तो ये हमें पता है ऑसिलेट करने लग जाएगा, जो कि सरल आवर्त गति होगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जो कि हम अब तक पढ़ते आए हैं उसके अकॉर्डिंग, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो हाफ के ए स्क्वायर होगी, यानी कि एनर्जी इसकी कंटिन्यूस होगी। हम जितनी चाहें उतनी एनर्जी इसको दे सकते हैं, जितना हम इसका एम्पलीट्यूड रखेंगे उतनी ही इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड हम कंटिन्यूसली वेरी कर सकते हैं, तो एनर्जी इसकी कंटिन्यूसली वेरी करेगी। और मिनिमम से मिनिमम एम्पलीट्यूड हम इसको कितना दे सकते हैं, जीरो। हम कोई एम्पलीट्यूड दे ही ना, तो इसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जीरो, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि ना तो इसकी एनर्जी कंटिन्यूस होती है ना मिनिमम एनर्जी जीरो होती है, मतलब एनर्जी जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल बने हुए होते हैं, तो एनर्जी की कोई फिक्स वैल्यू ही हो सकती है। तो इसकी जो मिनिमम एनर्जी होती है वो होती है हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, मिनिमम जो एनर्जी लेवल होगा उसकी हाफ एच कट ओमेगा होगी। अगला जो एनर्जी इसको मिल सकती है हाफ एच कट ओमेगा में एच कट ओमेगा एड हो जाएगा, फिर अगली एनर्जी में एच कट ओमेगा एड हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, और मिनिमम एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा होती है। तो ये हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि ये जो मास अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ में, इसके पास में दो तरह की एनर्जी है, एक काइनेटिक है और एक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है। तो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के रूप में लिखी जाएगी, उनके मतलब जोड़ के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है पी स्क्वायर बाय 2m, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने यहां पर मोमेंटम और एक्स इनकी एवरेज वैल्यू ली है, पी के स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ली है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है, क्योंकि जैसे ऑसिलेट कर रहा है वैसे वैसे एक्स भी चेंज हो रहा है और पी भी चेंज हो रहा है, तो उसके स्क्वायर की हमने एवरेज वैल्यू ली। तो इस तरह से हम इसकी जो है टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी जो होती है वो इस विचलन के बराबर में होती है, डेविएशन के बराबर में होती है। मतलब हम एक्स स्क्वायर का एवरेज लें, फिर एक्स का एवरेज लें उसका स्क्वायर जो है उसमें से घटा दें, तो वही अनसर्टेनिटी होती है। तो यहां एक्स की एवरेज वैल्यू यानी इसकी पोजिशन की एवरेज वैल्यू, ये लगातार ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव जा रहा है फिर नेगेटिव जा रहा है, तो जितना पॉजिटिव जा रहा है उतना नेगेटिव जा रहा है, तो इसका जो पोजिशन की एवरेज वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। तो जो अनसर्टेनिटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। इसी तरह से हम मोमेंटम के केस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहां पर जो है डेल्टा पीएक्स और डेल्टा एक्स आ जाएगा। डेल्टा पीएक्स और डेल्टा एक्स क्या है, यहां पर इनकी अनसर्टेनिटी है, पोजिशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। क्लियर है ये बात? ठीक है, हमें ये चीज ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, अनसर्टेनिटी इस तरह से निकाली जाती है। तो ये वैल्यू हमने इसमें रख दी। फिर आप देखो के की जगह पर हम ये लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ चुके हैं के की जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर होता है। अब देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कम से कम एच कट बाय 2 होना चाहिए, तो डेल्टा पीएक्स जो है एच कट बाय 2 डेल्टा एक्स हो गया। ये वैल्यू हम डेल्टा पीएक्स की यहां रख देते हैं और रखकर ये एनर्जी निकाल लेते हैं। ये एनर्जी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो एनर्जी यहां पर फंक्शन है डेल्टा एक्स का, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो एच कट स्क्वायर बाय 8m, ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन डेल्टा एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बाय डेल्टा एक्स का क्यूब।
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर या कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो के बराबर में आना चाहिए। इसके बेसिस पे अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाले तो देखो क्या आएगी, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहां पर। देखो इस टर्म को एक तरफ लिखते हैं तो ये तो देखो दो से आठ कट गया चार बार, तो ये हो गया एच कट स्क्वायर बाय फोर एम डेल्टा एक्स का क्यूब। ये माइनस वाला साइन इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और उस तरफ दो से दो कट गया तो ये आया एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स। तो आप यहां से देखो डेल्टा एक्स की पावर फोर बराबर में क्या आएगा, डेल्टा एक्स की पावर फोर बराबर में क्या आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन में ये चला गया यहां पर एम स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर और ये फोर। ठीक है, ये डेल्टा एक्स की पावर फोर की वैल्यू आई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो यहां डेल्टा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें हम, दोनों तरफ रूट लगा दें तो ये यहां स्क्वायर रह जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा एच कट अपॉन टू एम ओमेगा। ये हमारे पास डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हम जो है वो पुट कर दें किसमें, एनर्जी वाले फॉर्मूले में। तो एनर्जी वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप देखो यहां पर ये आ रहा है एच कट स्क्वायर अपॉन एट एम डेल्टा एक्स स्क्वायर, वन अपॉन में डेल्टा एक्स स्क्वायर, इसका उल्टा लिखते हैं टू एम एच टू एम ओमेगा अपॉन एच कट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर कितना हो गया एच कट अपॉन टू एम ओमेगा। अब इसको सॉल्व करें तो देखो एक एम से एम गया यहां पर, ठीक है एच कट से एक एच कट गया, टू से ये एट फोर टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा वन बाय फोर एच कट ओमेगा बचा। यहां पर भी देखे एम से एम गया, ये ओमेगा स्क्वायर है ये नीचे ओमेगा, एक ओमेगा से ओमेगा गया। ठीक है, ये वन बाय फोर एच कट ओमेगा, तो यहां पर भी वन बाय फोर एच कट ओमेगा, यहां पर भी वन बाय फोर एच कट ओमेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो वन बाय फोर एच कट ओमेगा प्लस वन बाय फोर एच कट ओमेगा दोनों जुड़कर वन बाय टू एच कट ओमेगा हो जाएगी। तो मिनिमम एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है वन बाय टू एच कट ओमेगा, जिसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो अब तक हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखा मोमेंटम और पोजिशन के लिए, ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अन्य फॉर्म भी हो सकते हैं, अनदर फॉर्म्स भी हो सकते हैं, वो अदर क्वांटिटीज में भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। वो क्वांटिटीज कौन कौन सी है आइए देखते हैं। देखो पहली क्वांटिटी है एनर्जी और टाइम, ठीक है, यानी कि एनर्जी और टाइम को एक साथ एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। कैसे आइए देखते हैं। देखो अभी तक हमने सीखा था कि जो मोमेंटम है और पोजिशन है उन दोनों की जो अनसर्टेनिटी यानी कि उन दोनों में जो अनिश्चितता है उनका गुणनफल जो है एच कट बाय टू से हमेशा बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, अब मान लो हम ये जो है वो एक फोटोन के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और हम इस एक्सप्रेशन में क्या करते हैं सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखो कि एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है ई स्क्वायर बराबर में क्या होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, एम नॉट रेस्ट मास होता है, पी मोमेंटम होता है और ई एनर्जी होती है। ठीक है, अब फोटोन के लिए बात करें तो फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, तो फोटोन के लिए जो एनर्जी होगी ई वो कितनी हो जाएगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाली टर्म जीरो होगी, ई स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ई बराबर में पी सी। ठीक है, तो यहां डेल्टा पी इंटू सी आ रहा है तो ये डेल्टा पी इंटू सी जो है वो डेल्टा ई हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है उसको अगर हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी यहां लाइट की स्पीड है, तो हमारे पास एनर्जी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, तो ये टर्म एनर्जी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यहां डेल्टा एक्स पोजिशन में अनसर्टेनिटी है, तो अगर हम दो पॉइंट कंसिडर करें कोई भी दो पॉइंट ए और बी कंसिडर करें, मान लो कोई भी दो पॉइंट ए और बी है, ए टू बी जो है वो अनसर्टेनिटी है पार्टिकल की, तो वहां अगर लाइट ट्रेवल करती है ए टू बी ट्रेवल करती है तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन सी जो है वो टाइम हो जाएगा फोटोन को ट्रेवल करने में, टाइम में अनसर्टेनिटी हो जाएगी दो पोजिशन को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो यहां पर ये डेल्टा ई हो गया और ये डेल्टा टी हो गया, तो हमारा एक्सप्रेशन मेन एक्सप्रेशन ये था उसको हमने एनर्जी और टाइम में कन्वर्ट कर लिया, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एनर्जी और टाइम इन दोनों को भी एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजिशन, यानी कि कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करते हैं, मान लो एक पार्टिकल जो है वो सर्कल
पर घूम रहा है, व्रत पर घूम रहा है, तो वो किसी पॉइंट ए या बी के बीच में हो सकता है। कहां है पता नहीं, ए से बी तक के बीच उसकी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो उसकी अनसर्टेनिटी को हमने डेल्टा एक्स से शो किया है, ठीक है। अब उस सर्कल का रेडियस जो है वो आर है, और ए टू बी जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, ए टू बी डेल्टा थीटा। ये एंगुलर पोजिशन में अनसर्टेनिटी है, एंगुलरली वो ए टू बी कहां होगा वो उसकी अनसर्टेनिटी है। तो यहां हमें आर्क रेडियस और एंगल के बीच में रिलेशन पता है, ठीक है। चाप बराबर में क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या, आर्क बराबर में रेडियस इंटू एंगल होगा, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है मोमेंटम और पोजिशन का, उसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ मास इंटू वेलोसिटी कर देते हैं तो ये डेल्टा वी बन जाएगा। अब एमवीआर, एमवीआर जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो यहाँ एम डेल्टा वी आर क्या हो जाएगा, यहाँ एम डेल्टा वी आर जो है वो एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा जे हो गई, ये डेल्टा थीटा हो गई, ठीक है। तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया कि एंगुलर मोमेंटम और में अनसर्टेनिटी और एंगुलर पोजिशन में अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो एच कट बाय टू से बड़ा या उसके बराबर होगा। यानी इन दोनों क्वांटिटीज को भी हम एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो एक जनरल टर्म ये बन जाती है कि ऐसी दो क्वांटिटीज जिनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है या जो जिनके प्रोडक्ट की जो यूनिट है वो एक्सकट की यूनिट के बराबर हो। एक्सकट की यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। मतलब ऐसी दो क्वांटिटी जिनका गुणा जो है जूल इंटू सेकेंड यूनिट देती हो, ठीक है, तो उन क्वांटिटीज में अनसर्टेनिटीज होगी। और ऐसी क्वांटिटीज को हम जो है कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी कहते हैं, विहित संयुग्मी राशियां कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ा। तो अब तक के लिए इतना ही, ये आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।